फ्रेंड्स, क्या आप अपने मील्स को लेके, अपने डाइट को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? स्पेशली ब्रेकफास्ट को लेके कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड, इसी प्रॉब्लम की वजह से कई लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। फ्रेंड, ब्रेकफास्ट को स्किप करना आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। कई लोगों को ये लगता है कि मील को स्किप करने से उनका फैट रिड्यूस हो सकता है, उनका वेट रिड्यूस हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ब्रेकफास्ट हमको हर हाल में करना चाहिए। एक तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 सुपर फूड ऑप्शंस लेके आया हूँ जो आपके ब्रेकफास्ट के लिए हैं, जो हेल्प करेंगे आपका वेट लॉस होने में। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले है दलिया, जो कि हाई सोर्स है फाइबर का और कार्ब्स का। दलिया, जिसको आप खिचड़ी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। दलिया ये लो कैलोरीज होता है, हाई इन फाइबर, प्रोटीन एंड विटामिन बी। विटामिन बी जो प्ले करता है क्रूशियल रोल आपका वेट लॉस होने में। फ्रेंड, इसकी हेल्प से आप अपने हंगर को सप्रेस कर सकते हैं, यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और एक्टिवेट करता है। और फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, जिनका काम होता है बॉडी के वेट को रेगुलेट करना, उसको ये एक्टिवेट करता है। इस जैसे मैंने बताया, इसको आप वेजिटेबल्स के साथ ले सकते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल के साथ इसको बनाना काफ़ी आसान होता है। जो है वो लोग जो अपने घरों से दूर रहना है बिकॉज ऑफ स्टडी एंड देयर जॉब, वो इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करना काफ़ी इजी रहता है। इसके आपको यूट्यूब पे ढेरों ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें आपको दलिया की खिचड़ी बनाना बताया जा रहा है। तो फ्रेंड, ये एक सो फ्रेंड दलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर ब्रेकफास्ट। फ्रेंड, इस लिस्ट में नंबर 2 ऑप्शन है उपमा। उपमा जो कि एक साउथ इंडियन डिश है, इसको नॉर्थ में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसको बनाया जाता है सूजी और रवे से, जो कि प्रोटीन जिसमें काफ़ी हाई होता है। इसमें आपको विटामिन्स और आयरन भी मिल जाएगा एंड फाइबर भी इसमें रहता है काफ़ी। इसमें फैट काफ़ी लो रहता है, जिसकी वजह से आपको वेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान रहता है फ्रेंड्स। अगर इसके लिए भी काफ़ी हमारे पास यूट्यूब पे काफ़ी ढेर सारे इसके वीडियोस हैं, जिसमें इसको बनाने की विधि, इसको बनाने की रेसिपी बताई गई है। फ्रेंड, नंबर 3 ऑप्शन इज़ मूंग दाल का चीला। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दालों में प्रोटीन रहता है, बट मूंग दाल में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और इसको बेस्ट माना गया है दालों में। इसके साथ ही इसमें विटामिन ए, बी, सी एंड ई की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है, साथ ही पोटेशियम, आयरन, फाइबर की मात्रा भी इसमें भरपूर होती है। फ्रेंड्स, मूंग दाल मदद करता है आपके हंगर हार्मोन, जिसको ग्रेलिन कहा जाता है, उसके लेवल को रिड्यूस करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो मूंग दाल का चीला आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसकी बनाने की रेसिपीज भी आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी। फ्रेंड, नंबर 4th ऑप्शन इज़ इडली। इडली जो कि एक साउथ इंडिया की बहुत फेमस डिश है। इडली जो रिच रहती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फाइबर में, और प्लस इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये कोई भी सैचुरेटेड फैट कंटेन नहीं करती है और कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन नहीं करती है। सो फ्रेंड, अगर आप फैट बर्न करने का सोच रहे हैं और अपना वेट रिड्यूस करने का आपका प्लान है, तो आपके लिए इडली एक बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। फ्रेंड, इडली के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि ये एक कॉमन ब्रेकफास्ट है जो इजीली अवेलेबल रहता है, हर जगह मिल जाता है, और आजकल रेडीमेड इडलीज भी आ रही हैं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रेंड, अवर 5th ऑप्शन इज़ पोहा, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जाता है, स्पेशली मालवा रीजन में इसका यूज़ काफ़ी होता है। पोहा इज़ ए एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी, आयरन, प्रोटीन, कार्ब एंड अदर अमीनो एसिड्स। फ्रेंड्स, पोहा इज़ ए लो कैलोरी डिश, इसीलिए इसको डाइजेस्ट करना काफ़ी ईजी रहता है। इसके साथ ये एक होलसम मील है जिसमें आपको फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स पोहा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ब्रेकफास्ट का, बिकॉज़ ये आपको एनर्जी भी देता है और इसके साथ आपको वेट रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये वो 5 ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट के आपके, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, जो कि आपको एनर्जाइज रखेंगे और आपका वेट भी बढ़ने नहीं देंगे, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा फैट को भी नहीं बढ़ने देंगे। फ्रेंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे चैनल के अबाउट पेज में दिए गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फिटनेस फॉर ऑल बाय शर्जील, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।